देखिए बच्चों, सबसे पहले मैनेजमेंट में हम लोग का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आप लोग को मैनेजमेंट का डिफिनेशन अच्छे से याद कर लीजिएगा बच्चों, ये हमेशा आता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन याद कर लेंगे, उसके बाद उसका फीचर्स हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इन लोग, जो कि हमेशा एग्जाम में ना रिपीट करता है ये सब क्वेश्चन, तो ये सबको अच्छा से कर लेना है। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों की एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इफ जीरो, अगर मैनेजमेंट जीरो है तो सब कुछ बेकार है, मतलब इंपॉर्टेंस लिखना है मैनेजमेंट का। ठीक है, मैनेजमेंट समझिए एक साइंस है या आर्ट्स, इसके बारे में आप लोग को लिखना है। फिर फोर नंबर क्वेश्चन क्या है, परफेक्ट साइंस है, अगर आप इसके बारे में एग्री है तो एक्सप्लेन कीजिए, पाँच रीजन दीजिए, या तो मैनेजमेंट क्या है, एक प्रकार का आर्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशनल लाइक मेडिकल योर लीगल प्रोफेशन, डू यू एग्री विथ दिस स्टेटमेंट, गिव द रीजन्स। ठीक है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, में जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है उसका क्या फंक्शन होता है बच्चों। डिस्कस द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता है और हमेशा पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन जो एट नंबर है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन रिपीट करता है और इसको बोला जा सकता है कि कोऑर्डिनेशन जो एसेंस है मैनेजमेंट, अगर आप इससे एग्री हैं तो रीजन्स दीजिए। ठीक है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है उसका मीनिंग क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है बच्चों, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, अच्छे से समझिए, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन लिखने से नहीं होगा, क्वेश्चन को समझना भी पड़ेगा, इसका आंसर कहाँ मिलेगा वो भी बच्चों आप लोग को बताएंगे, क्योंकि अभी आंसर लिखने का समय भी नहीं है, और जो बच्चे पहले से आंसर अच्छे से बना के रखे हैं वो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा, उसी मतलब जो आप बना के रखें नोटबुक उसमें से इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। एक चीज़ और बच्चों, क्वेश्चन टू कॉपी नहीं पूछा जाता है, थोड़ा बहुत इधर उधर करके भी पूछा जा सकता है, अगर वहाँ आप लोग का प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा ना बच्चों, तो आप लोग क्वेश्चन इतना भी क्वेश्चन पढ़ के आप अच्छे से एग्जाम को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर, मैनेजर के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है, इसके बारे में आप एग्जाम्पल दे के समझाइए। नेक्स्ट है कि फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो होता है उसका फीचर्स बताना है। ठीक है, टेलर के द्वारा कौन कौन सा प्रिंसिपल जो दिया गया है मैनेजमेंट का उसके बारे में लिखना है। 14 नंबर, डिस्कस द डिफरेंट बिटवीन द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर एंड फ्योल, ठीक है, टेलर और फ्योल का क्या कंट्रीब्यूशन है, दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चों, वो लिखना है। आप लोग का बहुत अच्छा अच्छा एग्जाम गया, बहुत क्वेश्चन अच्छा है इसमें, बहुत बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, एकदम पॉजिटिव होकर आप लोग को जाना है। ठीक है, ये नहीं सोचना कि क्वेश्चन हम लोग का अगर यहाँ से आ जाएगा तो क्या होगा, बच्चों बुक से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बुक से ही क्वेश्चन आएगा, उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से ही इम्पोर्टेंट आएगा, तो आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कर लीजिएगा बच्चों, तो उससे भी आप पूरा क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। ये एकदम पॉजिटिव होकर हम लोग को जाना है। ठीक है, हम लोग घर से सोच के जाना कि आज हम लोग को सब क्वेश्चन बना के आना है, तो आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। प्लानिंग का 6 फीचर्स लिखना बच्चों, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सॉरी फॉर दिस। एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 6 पॉइंट हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ, इम्पोर्टेंस का जो प्लानिंग का इम्पोर्टेंस होता है, प्लानिंग चैप्टर बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, जो क्या उसको बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक को अच्छे से सबका डिफिनेशन सबका प्रोसेस अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है कि हाउ डज प्लानिंग फैसिलिटेट कंट्रोल जस्टिफाई और आंसर विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल, एक ये जो है प्लानिंग का लिमिटेशन, प्लानिंग का प्रोसेस, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बच्चों, कितना प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, ये सब पूरा अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। इसको हम एक बात बोलेंगे, जितना चैप्टर है सबका डिफिनेशन बच्चों एकदम अच्छे से करके जाइएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, डिफिनेशन अच्छे से कर लीजिएगा, जितना का प्रोसेस जो जो चीज़ का, जैसे प्लानिंग का प्रोसेस था, ठीक है, कंट्रोलिंग का प्रोसेस था, जो जो चीज़ का प्रोसेस है बच्चों वो आने का ज़्यादा चांस रहता था, आप लोग इसका कर लीजिएगा। अभी हम आप लोग को इसमें सिर्फ वीडियो में 23 क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चों, क्योंकि 70 क्वेश्चन पढ़ना बहुत मुश्किल है, तो आप लोग पूरा अगर क्वेश्चन चाहते हैं बच्चों तो जाके प्ले स्टोर से अनूप कॉमर्स क्लासेस डाउनलोड कर लीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइएगा बच्चों, हिंदी में भी उसका आंसर मौजूद है इसका, और इंग्लिश में भी मौजूद है, जो आप लोग को अच्छा लगता है बच्चों वो जाके डाउनलोड कर लीजिए। एक बात और, हम इसका जो लिंक है बच्चों हम डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे दे रहे हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव का भी, जो भी इसका MCQ बच्चों इंपॉर्टेंट, उसका भी हम लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं,
आप जाके देख लीजिएगा। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले CUET का भी हम कुछ कुछ टॉपिक पर अच्छे से आप लोग से बात करेंगे और अच्छे से उसका तैयारी करवाएंगे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अभी और वीडियो एक दो हम आप लोग के लिए BST के लिए अपलोड करेंगे बच्चों।